हेलो बच्चों, क्लियरिंग 55 चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आज हम पढ़ने वाले हैं सिंपल एडिशन के बारे में, तो बिना देर किए हुए हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहली बात है कि आज हम सीखने वाले हैं कि हम बच्चों को, कि हमारे जो गार्जियन की कंप्लेन आती है कि बच्चा जोड़ नहीं लगा पाता है, एडिशन नहीं कर पाता है, तो उसका जो सिंपलेस्ट तरीका जिससे कि बच्चा कुछ दिन में प्रैक्टिस करने के बाद खुद जो है क्वेश्चन को सॉल्व करने लगेगा। तो यहाँ पर जो हमारे गार्जियन देख रहे हैं वो कृपया ध्यान दें, ऐसे ही बच्चों को हमको केयर करना है और ऐसे ही उनको हमको समझाना है, तो जिससे कि बच्चा जल्दी सीख जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर दो नंबर लिखे हुए हैं, यहाँ पर लिखा हुआ 38 और दूसरा नंबर लिखा है 41। ठीक है, नंबर लिखा है 38 जिसको कि हिंदी में 38 कहते हैं, और दूसरा नंबर लिखा है 41 जिसको कि हम हिंदी में 41 कहते हैं। ठीक है, तो जब भी बच्चों ये जो निशान लगा होगा, ये जो इसका जो प्लस करने का साइन लगा हुआ है, जब भी ये लगा रहेगा तो हमको प्लस करना है। ये हम सीखेंगे कैसे प्लस करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है ऊपर, सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करते हैं, कोई भी जब एडिशन शुरू करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, उसका वंस प्लेस होगा, दोनों नंबर का जो वंस प्लेस होगा, तो पहले नंबर के वंस प्लेस से दूसरे नंबर का वंस प्लेस ऐड करेंगे। जैसे यहाँ पर हमारे 38 वाले नंबर में, ऊपर वाले नंबर में 8 जो है वंस प्लेस पर है और नीचे वाले में ये 1 वंस प्लेस पर है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे। तो इन दोनों को ऐड करने के लिए पहले क्या करेंगे, ऊपर लिखा है 8, नीचे लिखा है 1, दोनों को ऐड करना है। तो कुछ बच्चे तो फटाफट बता देंगे, लेकिन जो बच्चे नहीं जान पाते हैं, नहीं समझ में आता है, वो क्या करेंगे, उनके लिए एक तरीका है, वो इतना लाइन खींच सकते हैं। जैसे ऊपर लिखा है 8, तो 8 लाइन यहाँ खींच लें, नीचे यहाँ पर 8 लाइन खींच लें, 1 2 3 4 5 6 7 8, और उसके नीचे यहाँ पर लिखा है 1, ये 1 लिखा है, तो ये 1 लाइन और बढ़ा दें। तो अब इसको हम काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 आ गया। तो अब हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, इन दोनों के नीचे हम लिख देंगे 9, क्योंकि हमारा जो ऐड करने के बाद 9 आया है, जोड़ने के बाद 9 आया है। अब हम पढ़ते हैं टेंस प्लेस की तरफ, यानी कि दहाई के स्थान की तरफ, जो भी नंबर दिया हुआ उसमें दहाई का स्थान ये दोनों है, तो इन दोनों को हमको ऐड करना है। तो क्या करेंगे, सबसे ऊपर लिखा है 3, सबसे ऊपर क्या लिखा है, 3 लिखा है, ये देखो 3 लिखा है, तो 3 लाइन खींच लेंगे, 1 2 3, और नीचे लिखा है 4 लाइन खींच लेंगे, 1 2 3 4, हमको काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि इसका आंसर कितना आ गया, दोनों का 7 आ गया, यानी जो नंबर बन गया वो कितना बन गया, 79, इसका आंसर कितना आ गया, 79 आ गया। इस तरह से लगा सकते हैं। चलिए दूसरे नंबर, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा और समझते हैं। यहाँ पर जो नंबर लिखा है ये कितना लिखा है, 73, ये नंबर लिखा है 25, यानी अगर हिंदी में कहें तो ये लिखा है 73 और नीचे लिखा है 25, इन दोनों को हमको ऐड करना है, जोड़ना है। तो सबसे पहले इसमें भी वही काम करेंगे, इकाई का स्थान यानी कि वंस प्लेस को पहले ऐड करेंगे। वंस प्लेस कौन सा है, वंस प्लेस हमारा ये है, सबसे पहले इसको हम ऐड करेंगे। क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे, लाइन खींचेंगे कितनी, 3, 1 2 3, क्योंकि ऊपर 3 लिखा है ना, 1 1 2 3 लाइन खींच देंगे, उसके नीचे 5 लिखा हुआ है तो हम 5 लाइन खींच देंगे, 1 2 3 4 5, आप टोटल काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 8, बिल्कुल नीचे हमको लिखने की कोशिश करेंगे, जो 3 और 5 के बिल्कुल नीचे यहाँ पर 8 हो जाए। ठीक है, कॉपी में थोड़ा सा आसान रहता है, अब यहाँ पर इसमें जो है थोड़ा सा इधर उधर सकता है, लेकिन आप लोग क्या करेंगे, 3 5 8 यहाँ बिल्कुल
लिख रहे हैं, बता रहे हैं, यहाँ पे 8 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे लिखा है 7, यानी अब हम किस पे आ जाएंगे, टेंथ प्लेस पर आ जाएंगे ना, दोनों नंबर के टेंथ प्लेस को ऐड करेंगे, 7 और 2, तो हम क्या करेंगे 7 को ऐड करेंगे पहले, तो 7 लाइन खींच लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, और उसके बाद 2 लाइन और खींच लेंगे, 1 2, सबको ऐड कर देंगे, मतलब सबको काउंट कर लेंगे कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और यहाँ पर नीचे हम कितने लिख देंगे, यहाँ पर तो हमारा 8 पहले से था, और यहाँ पर लिख देंगे 9, आया था ना आंसर अभी, तो यहाँ पे हुआ ये 9 लिखा हुआ, अच्छा ये 9 लिखा हुआ, 98 आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को लगा सकते हैं, और हमारे गार्जियन बच्चों को बता भी सकते हैं, जो हमारे बड़े बच्चे हैं वो अपने छोटे भाई बहनों को भी समझा सकते हैं इस तरह से, तो वो आसानी से प्रैक्टिस में लिख लिख के लगा सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, एक क्वेश्चन इसमें हम और देखते हैं, यहाँ पे हमारा जो नंबर लिखा है इसको हम बहुत तेज़ी से देखेंगे, क्योंकि अब आप थोड़ा समझ गए होंगे ना, ये नंबर हमारा लिखा है 25, यानी कि 25, और उसके नीचे लिखा है 72, यानी कि 72, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करना है, कैसे पता ऐड करना है, ये निशान लगा हुआ है, ये साइन लगा हुआ है, इसका मतलब होता है कि प्लस का साइन है, धन का निशान है, इसलिए हमको ऐड करना है, हमको जोड़ना ही है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर वही काम, पहले इकाई के स्थान को जोड़ेंगे, तो इकाई के स्थान पर सबसे पहले लिखा है 5, तो हम 5 लाइन खींच लेंगे, 1 2 3 4 5, और उसके नीचे लिखा है 2, तो 2 लाइन और बढ़ा लेंगे, ठीक है, यानी कि पहले 5 लाइन खींचेंगे, फिर 2 लाइन खींच देंगे, अब सबको फिर जोड़ गिन लेंगे, यानी कि काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पर हम लिख देंगे, हम यहाँ पर हम लिख देंगे 7, ठीक है। ये थोड़ा सा नीचे ऊपर इधर उधर हो सकता है, तो आप कॉपी में खूब सुंदर लिखिएगा, इसके नीचे ही तुरंत 7 लिखेंगे, और यहाँ पर अब टेंस प्लस की तरफ बढ़ते हैं, ये वाले प्लस प्लेस की तरफ बढ़ते हैं, ऊपर लिखा है 2, नीचे लिखा है 7, क्या करेंगे, तो लाइन खींच लेंगे, ना लाइन हम खींच लेंगे ना, कितना लाइन खींचेंगे पहले 2 1 2, उसके नीचे कितना लाइन खींचेंगे 7, 1 2 3 4 5 6 7, सभी को हम ऐड कर लेंगे, मतलब काउंट कर लेंगे सभी को, उतना ही आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आ गया, यानी कि इतने का आंसर हो जाएगा 9, यहाँ पे 9 ठीक से नहीं बन रहा है, ये देखिए ये 9 और यहाँ पे 7 लिखा था, तो कितना आंसर हो गया, 97 हो गया आंसर, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम बच्चों को या अपने भाई बहन को या गार्जियन जितने हैं वो अपने बच्चे को इस तरह बताएंगे, तो बच्चा बहुत ही जल्दी समझ जाएगा, ये हम अपने एक्सपीरियंस से बता रहे हैं कि बच्चा बहुत जल्दी ही क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीख जाएगा। तो आशा करते हैं कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, इसी तरह के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करिए, और मिलते हैं हम अगले वीडियो में, सब्सक्राइब